हेलो गाइस, मैं शाइना। गाइस, मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ एग करी की रेसिपी। ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, आप इस मेथड से बनाइए, रेस्टोरेंट स्टाइल की एग करी बनेगी। तो आपको क्या करना है इसके लिए, ले लेने हैं आपको एग। यहाँ मैं 8 एग का बना रही हूँ एग करी, आप कितने भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 8 एग लिए हैं। इसको आपको बस ये देखना है, कोई भी एग क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर आपका एग क्रैक होगा तो बॉयल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जर्दी बाहर आ जाती है, तो फिर आप इसको सही से फ्राई नहीं कर पाएंगे। आपको एक पेन में पानी रख देना है, पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, कितना बड़ा पेन हो हाफ हो। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देना है और गैस को कतई अभी स्टार्ट नहीं करना है, जब तक हमें इसमें धीमे धीमे एग को रख देना है। तो एक एक करके आपको एग को रख देना है स्लोली स्लोली, ज़्यादा कस के मत रखिएगा वरना एग क्रैक होने का ख़तरा है, इसलिए धीमे धीमे रख दीजिए। सभी एग को रख दीजिए और बाद में फ्लेम स्टार्ट कर दीजिए। मीडियम आँच पे आपको इसको बॉयल करना है। आँच आपको तेज़ नहीं करना है, लो नहीं करना है, वरना अंडे क्रैक हो जाएंगे। देखिए अंडे बॉयल हो चुके हैं, परफेक्ट बॉयल हुए हैं। देखिए आप इसमें फोक से कट लगा लीजिए, कट लगाना बहुत ज़रूरी है, आप चाकू से भी कट लगा सकते हैं, मैं फोक से लगा रही हूँ। बिना कट लगाए इसको फ्राई मत करिएगा वरना अंडे ऊपर आने का डर होता है, चटक के ये ऊपर आ जाते हैं तेल में से। कट ज़रूर लगाइएगा, या तो चाकू से लगाइएगा या फोक से लगा लीजिएगा। अब आपको लेना है थोड़ा सा फूड कलर, ये रेड फूड कलर मैंने लिया है, इसमें अंडों में बहुत प्यारा कलर आ जाता है फ्राई करने में। थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए इसी फूड कलर में। अब ब्रश से मिला लीजिए या किसी स्पून से मिला लीजिए, जो भी आपके पास हो। मुझे ब्रश से लगाना है इसलिए मैं ब्रश से ही मिला रही हूँ फूड कलर और ऑयल। अब मैं इसमें ऐड कर दिया मैंने 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा नमक कि अंडा चटके नहीं। अब एक अंडा लेकर अंडों पे अच्छे से इसकी कोटिंग कर लीजिए, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है जब हम अंडे को फ्राई करते हैं ऑयल में। एक एक अंडे को लेकर इस तरह लगा लीजिए ब्रश की सहायता से। अगर ब्रश ना हो तो भी आप किसी भी कॉटन या रुई से भी लगा सकते हैं। एक एक एग में लगा लीजिए, जल्दी मत करिएगा, धीमे धीमे लगाइएगा वरना कलर इसके ऊपर चढ़ेगा नहीं। और ये भी देखिए कि कोई भी एग टूटे ना, बिल्कुल स्लोली तरीके से लगा लीजिए, इससे बहुत ही खूबसूरत कलर आता है। जिस तरह हम ढाबे या रेस्टोरेंट में एग करी खाते हैं वैसे ही कलर आएगा और अंडे चटकेंगे भी नहीं ऑयल में जब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देख सकते हैं आप कितने प्यारे लग रहे हैं, कलर देख सकते हैं कितना अच्छा है, अभी तो फ्राई हुए भी नहीं है फिर भी कलर देखिए कितना अच्छा है। अब देखिए ऑयल रख के एक एक करके अंडे को डाल दीजिए, धीमे धीमे, इकट्ठा मत डालिएगा। मैंने पहले एक अंडा डाला ताकि ना चटके, फिर बाकी डालें। अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। ये कलर इसलिए ऐसा आया है क्योंकि मैंने इसमें फूड कलर इस्तेमाल किया है। बहुत से लोग रेड चिली पाउडर इस्तेमाल करते हैं तलने में, वो मिर्च जल जाती है। अब क्या करना है, दूसरे नंबर पे हमें इसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाने के लिए एक रफली प्याज को चॉप करके फ्राई कर लेंगे, गोल्डन फ्राई। बस एक ही प्याज अभी लेनी है हमको, एक प्याज लेकर गोल्डन फ्राई मुझे इसे कर लेना है। मैं एक पेस्ट बनाऊंगी इसके लिए अलग तरह का, वो मैं आपसे दिखा रही हूँ। इसको गोल्डन फ्राई करेंगे, प्याज ज़्यादा ना लीजिएगा गाइस, एक ही प्याज अभी लेनी है, एक मीडियम साइज़ की। और मसाले के लिए मुझे चाहिए ज़ीरा, जायफल, लौंग,
काजू, बादाम, छोटी इलायची, जावित्री, बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े, ज़ीरा, बादाम, इन सबको प्याज में डाल देना है और थोड़ा सा भून लेना है। बस हल्का सा रोस्ट करना है कि ये भी मसाले हमारे ड्राई वाले प्याज के साथ रोस्ट हो जाएं। और इसको मिक्सी के जार में डाल देना है। दूसरे प्रोसीजर में हमको एक टमाटर के चार टुकड़े करके उसको फ्राई कर लेना हल्का सा, ताकि उसका छिलका आसानी से निकल जाए। अब मैं एक टमाटर लेकर उसे चार टुकड़ों में काट के हल्का सा फ्राई करूँगी। बस हल्का सा तल लेना है ताकि छिलका निकालने में आसानी हो। ये देखिए टमाटर का आसानी से छिलका, देखिए इस तरह गाइस निकल जाता है। छिलके को निकाल देना है, इससे बहुत स्मूथ पेस्ट बनता है। ये देखिए अब टमाटर को उसी मसाले में जो मैंने रोस्ट करा था उसमें भी डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। पेस्ट को गाढ़ा पीसना है हमको, ग्राइंड कर लेना गाढ़ा, पतला नहीं करना है। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, स्मूथ पेस्ट बनाना है इसलिए हल्का पानी डालिएगा। क्रीमी टेक्सचर देना है मुझे। ये देखिए कितना क्रीमी मसाला बना है, आप देख सकते हैं। मुझे इसी तरह क्रीमी टेक्सचर देना है, इसलिए मुझे ज़्यादा पानी नहीं डालना है ना पतला बनाना है। अब दो गांठी प्याज को रफली चॉप करके छोटे छोटे टुकड़ों में, अब देखिए मेरे मसाला भूनने का स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले ऑयल डाल के दो गांठी प्याज अब लिया है, रफली चॉप करके इसको गोल्डन फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, फौरन चला दीजिए, वरना अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो पेन में लग जाएगा। किसी भी चीज़ में आप बनाएंगे अगर नहीं चलाएंगे तो अदरक लहसुन का पेस्ट चिपकने लगता है, चाहे कुकर हो चाहे कढ़ाई हो। 1 टीस्पून इसमें आप मिर्च पाउडर डाल दीजिए, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। चला दीजिए, रुकिए नहीं बिल्कुल, रुकेंगे तो मसाला जलने का डर है, इसलिए फ़ौरन चला दीजिए मीडियम आंच पर। आंच तेज़ मत करिएगा, लो मत करिएगा। अब जो मिक्सी में मैंने मसाला पीसा था क्रीमी वाला वो डाल दीजिए। ऊपर नीचे कर दीजिए। आप किसी भी रेस्टोरेंट या ढाबे में एग करी खाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें बहुत ज़्यादा शोरुआ या रसा नहीं होता है, उसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा थिक होता है। बस हमको उसी तरीके रखना है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे मसाला भूनने के लिए, कि अदरक लहसुन की महक ना आए। रखना हमको इसको ठीक है, पतला नहीं करना है। अब मसाला 15 मिनट भूनना है मुझे, 10 से 15 मिनट मसाले को भून लीजिए। ये देखिए मेरा मसाला भुन गया है। अब गैस का फ्लेम धीमे कर देना है और एक एक करके एग को डाल देना है। तो देखिए एक एक करके एग को डाल दिया है, इकट्ठा मत डालिएगा और पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, इसको ठीक रखना है। थोड़ा सा पानी हम इसको ऐड करें, तो देखिए बस थोड़ा सा पानी ऐड करिएगा, ज़्यादा नहीं ऐड करिएगा। ये देखिए मेरी एग करी तैयार है। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें।